so let's continue our 1d chapter. so my next question, is that a particle starts with a initial velocity in u of 5 meter per second and has an acceleration of 10 meter per second square. simple. to so, find displacement, to so, my displacement could just s like आई होप आपको पता हो तो फाइंड एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन टेन सेकेंड्स तो सिंपल आई होप सबको पता है कि इसका सोल्यूशन कैसे आएगा हम क्या अप्लाई करेंगे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर ठीक है यू की जगह हम क्या लेंगे फाइव इंटू टाइम क्या टेन प्लस हाफ ऑफ एक्सलेशन की जगह अगेन टेन इंटू टाइम की जगह पर टेन उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा ये फिफ्टी प्लस अगेन मैंने आपको कहा था कि जिस टाइम निमेरिकल हो आप प्लीज़ वीडियो पॉज करें खुद निमेरिकल करें फिर आप चेक करें कि आप कैंसर मैच करता है कि नहीं ठीक है तो चलिए ये क्या है टेन स्क्वायर हंड्रेड इंटू टेन थाउजेंड डिवाइड बाई टू यानी फाइव हंड्रेड आपको हो गया फाइव फिफ्टी मीटर्स सिंपल तो यहाँ पर जब मैंने कहा एक्सेलरेशन इज टेन मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव था यानी कि वो किधर होगा बाय डिफॉल्ट वो अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही होगा और यू भी क्या होगा अगर कुछ नहीं कहा तो और अगर वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है तो वो पॉजिटिव ही होगा ठीक है अब इसी क्वेश्चन को अगर हम ऐसे लिखें दैट हम एक चेंज कर रहे हैं दैट पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सेस Which is, u फाइव is, एंड acceleration along नेगेटिव एक्स एक्सेस ठीक है और एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको दिया हुआ हो लेट्स से फाइव तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइव है एंड इट इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस तो यानी कि हमारे लिए एक्सेलरेशन हुआ कितना सिंपली माइनस फाइव और यू कितना है यू है फाइव और अगेन आपसे अगर पूछें कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फाइंड एस इन थ्री सेकेंड्स तो अब हम क्या अप्लाई करेंगे सोल्यूशन इक्वेशन तो हमारी वही रहेगी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो एस एज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर अब यू की जगह पर अगेन फाइव टाइम की जगह पर क्या थ्री क्यों पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सेस है प्लस हाफ ऑफ अब एक्सलेशन की जगह क्या लेना है हमको माइनस फाइव क्योंकि अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सेस है इन टू टाइम थ्री का स्क्वायर तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी ये वैल्यू इधर से आ जाएगी फिफ्टीन ये वैल्यू क्या होगी नाइन फाइव फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव डिवाइड बाई टू यानी कि ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव मगर माइनस साइन के साथ तो माइनस ऑफ ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव ठीक है आई होप आपको चीज़ दिखाई दे रही है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को तो ये वैल्यू क्या होगी फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस ऑफ सेवन पॉइंट फाइव यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस ऑफ सेवन पॉइंट फाइव तो ये माइनस कैसे आ रहा है क्या मतलब इस माइनस का इस माइनस का मतलब ये है कि पार्टिकल अगर कहीं यहाँ से स्टार्ट हुआ इधर जाना शुरू किया अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्योंकि उसकी इनिशियल लॉस्टी क्या थी अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस थी इधर जाना शुरू किया लेकिन फाइनली पार्टिकल हमें पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस सेवन पॉइंट फाइव आ रहा है तो आप इस चीज को सोचिए थोड़ा कि पार्टिकल जाना तो शुरू किया along positive x -axis. इसकी इनिशियल लिखा हुआ तो आप इस चीज को सोचिए इस वीडियो को पॉज करके आई होप आपने सोचा हो तो अब मैं इस चीज के एक्सप्लेनेशन में इंटर करता हूँ सो प्रीवियस केस में क्या सिचुएशन थी आपको दी हुई थी कि बॉडी स्टार्ट ट्रैवलिंग विदिशियलिटी अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्स इज फाइव एंड इट्स एक्सोलेशन वॉज माइनस फाइव तो आप जरा मुझे ये बताइए कि कितने देर के बाद इसकी वेलासिटी ज़ीरो हो जाएगी चूंकि आपको दिख रहा है ना विलासिटी इस डायरेक्शन के अलॉन्ग है और एक्सलेशन इस डायरेक्शन के लॉन्ग है तो स्पीड क्या होगी कम होगी तो स्पीड कम होते होते फाइनली एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी वो कब होगा तो सिंपली हम क्या करेंगे हम पहला न्यूटन इक्वेशन अप्लाई करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी तो v की जगह हम क्या लिखेंगे जीरो u की जगह पर क्या लिखेंगे फाइव a की जगह पर माइनस फाइव देखिए ये जो बीच का प्लस साइन होता है ना इसके साथ आप छिड़खानी नहीं किया कीजिए इसको रहने दीजिए जैसा है सीधा a की वैल्यू है वो पुट किया कीजिए साइन के साथ ठीक है इन टू तो यहाँ से हमारा टी क्या आ जाएगा टी आपको जाएगा फाइव बाई फाइव यानी वन सेकेंड तो एक सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो ठीक है तो पिछले केस में हमने आपसे टाइम क्या कहा था कि कितनी देर के बाद हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए हम आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे थे आफ्टर इजिकल टू थ्री तो आप सोचिए कि अभी क्या हुआ होगा इस पॉइंट के ठीक बाद क्या होगा वेलोसिटी ज़ीरो हो गई एक्सलेशन माइनस फाइव है तो यहां से इसकी वेलोसिटी स्टार्ट हुई फाइव कहीं पर हुई होगी फोर फिर हुई होगी थ्री फिर हुई टू फिर हुई वन फिर हो गई ज़ीरो इस पॉइंट के बाद क्या हुआ तो जब किसी पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है तो जाहिर सी बात है ये आगे नहीं जा सकता रुक गया लेकिन वो एक्सेलरेशन इस पर अभी भी काम कर रहा था ना तो टेक्निकली उस एक्सेलरेशन ने क्या किया उस एक्सेलरेशन ने इसको क्या सोची क्या किया होगा उस एक्सेलरेशन ने इसको पीछे कर दिया पीछे मतलब अब वो इसको पीछे की तरफ ट्रैक करने लगा तो आप इस चीज़ को ऐसे इमेजिन करो कि एक पार्टिकल है जो कि आगे जा रहा है और उस पर एक्सेलेशन पीछे है यानी कि फोर्स उस पर पीछे लग रही है तो वो फोर्स क्या कर रही है वो फोर्स कंटिन्यूसली उसकी स्पीड को कम करती जा रही थी ना यहाँ से फोर हो गया हो गया थ्री या टू या वन फाइनली वो ज़ीरो तो उस फोर्स ने पहले उसकी स्पीड कम की और वो फोर्स तो अभी भी एक्ट कर रही है तो अब वो फोर्स क्या करेगी अब वो फोर्स इसको अपने तरफ ड्रैग कर रही है क्योंकि अब उसकी स्पीड ज़ीरो हो गई है लेकिन वो एक्सेलेशन तो अभी भी काम कर रहा है ना इस पर तो एक्सेशन क्या करेगा वो एक्सेशन अब इसको पीछे खींचेगा तो इसलिए ये यहाँ से एक तरह का टर्न लेगा और अपने आप फिर ये पीछे जाने लगेगा तो ये पीछे कुछ ऐसा चला गया तो आपको सॉल्व करने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट माइनस सेवन पॉइंट फाइव आया वो इसलिए आया क्योंकि अब ये पीछे जाने लगा तो जब ये पीछे जाने लगा तो अब क्या होगा नेट डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ से इधर तो पॉजिटिव एक्स एक्सेस था लेकिन इधर क्या है नेगेटिव एक्स एक्सेस है तो यही पार्टिकल जो पीछे जाने लगा तो फाइनली आफ्टर थ्री सेकेंड्स वो कुछ यहाँ तक पहुँच गया और ये पॉइंट यहाँ से सेवन पॉइंट फाइव मीटर की दूरी पर थी ठीक है तो ये पॉइंट यहाँ से फाइनली जहाँ पहुँचा वो पॉइंट यहाँ से इनिशियल पॉइंट से सेवन पॉइंट फाइव मीटर की दूरी पर थी तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ दैट्स मोर इंटरेस्टिंग थिंग डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट इज़ लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजिशन राइट इनिशियल पोजिशन क्या है हमारा ये इनिशियल पोजिशन है और फाइनल पोजिशन क्या है ये फ़ाइनल पोजिशन है क्योंकि ये एक्सीशन तो इस पर वर्क करता रहा तो ये एक्सीेशन इसको ड्रैक करते हुए कंटिनुसली पीछे लेके जाता रहा इस पॉइंट तक पहुंचा फिर उस टाइम पर वे वेलोसिटी होगी वो इसको और पीछे खींच रहा होगा तो जब इसको कंटिन्यूसली पीछे खींच रहा है तो फाइनली जहाँ तक ये पहुँचेगा आफ्टर टोटल थ्री सेकेंड्स तो ये जो लाइन हुई फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आपको दिख रहा है ये लाइन जो है डिसप्लेसमेंट है ये लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन बट दिस इज डायरेक्टेड इन नेगेटिव एक्स एक्सिस दिख रही तो है आपको तो चूंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है इसीलिए आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आया ओके okay? जस्ट अगर आप एक चीज चेक करना चाहें कि एक सेकंड तक तो यहाँ पहुंचाता है यह। ये इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई थी यहाँ पर टाइम वन सेकंड हो गया था अब वन सेकंड के बाद क्या हुआ होगा वन सेकंड के बाद हमारे पास दो सेकंड्स बचते हैं क्योंकि हमको टोटल मोशन तीन सेकंड तक निकालना है तो हमारे पास दो सेकंड्स बचते हैं तो जब हमारे पास दो सेकेंड बचते हैं तो हम देख रहे हैं कि दो सेकंड में ये पार्टिकल कितना मूव किया होगा सिर्फ ये लेंथ हमें देखनी है ना ये पोजीशन ओ था ये पोजीशन ए ये फाइनल पोजीशन बी तो ये ए टू बी की जो लेंथ है वो हमें अगर चेक करनी है लेट से तो वो डिसप्लेसमेंट ए टू बी तो इस पॉइंट पर हमारी इनिशियल लॉस्टी क्या है जीरो है तो हम ज़ीरो लेंगे ज़ीरो इन टू टी प्लस हाफ़ ऑफ एक्सेलेशन क्या है पीछे की तरफ काम कर रहा है तो माइनस ऑफ फाइव और टाइम हमारे पास अब कितना बचता है टाइम हमारे पास बचता है अब सिर्फ दो सेकंड क्यों चूँकि ऑलरेडी टीजिकल टू वन तक तो हम तो पहुंच चुके थे अब हमारे पास मोशन में कितना बचता है टाइम टू सेकंड बचता है चूँकि टोटल टाइम हमारे पास थ्री सेकेंड्स है तो बचता है टू सेकंड यानी कि टू का स्क्वायर तो ये तो ज़ीरो हो गया तो ये कितना हो गया ये सिंपली कितना आ रहा है आपको माइनस टेन आ रहा है यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस हुआ डिस्टेंस यानी कि मैग्नीट्यूड वो कितना हो गया वो हो गया टेन और ऑब्वियसली ये दिख रहा है आपको ये डायरेक्टेड नेगेटिव एक्स एक्सिस है इसलिए आपको ये आया माइनस टेन डिस्प्लेसमेंट लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट जो हमारा फाइनली था वो कितना था वो सेवन पॉइंट फाइव था ना क्यों तो अगर हमको चेक करना है, कि क्या है? यहां से लेकर यहां तक का लेंथ है यानी कि ये टोटल टोटल ओ ए जो लेंथ है कि जो पहले ये आगे गया तो ओ ए निकालना है अगर हमको डिसप्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू ए निकालना है वो कैसे निकालेंगे वो तो और आसान है क्योंकि स्टार्ट हम कहाँ से हुए थे फाइव से स्टार्ट हुए थे ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी था तो हम लिखेंगे फ़ाइव इंटू कितना देर तक हम आगे गए थे सिर्फ एक सेकंड तक आगे गए थे तो फाइव इंटू वन प्लस अगेन हाफ ऑफ एक्सेलरेशन क्या था उस टाइम पर ही माइनस फाइव इंटू वन तो सिंपली क्या रहा ये आ रहा है आपको तो तो ये ये टू पॉइंट फाइव आ रहा है वन स्क्वायर तो वन ही होगा तो टू पॉइंट फाइव आ रहा है तो अब आई होप कि आपको सब कुछ दिखाई दे रहा हो कि पहले एक सेकंड तक क्या हुआ इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ आगे की तरफ 2.5 पॉइंट फाइव देखिए प्लस होना ही चाहिए चूंकि आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो दिख रहा है आपको प्लस टू उसके बाद अगले दो सेकेंड तक इसका पीछे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होता रहा माइनस क्यों पीछे की तरफ क्योंकि एक सेकंड के बाद विलोसिटी जीरो हो गई तो अब ये पीछे जाने लगा तो जब तक ये पीछे जा रहा था तो टोटली ये गया डिस्टेंस माइनस टेन यानी कि इफेक्टिवली ये यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया मैं फिर से अगर ड्रॉ कर दूँ तो इनिशियल पॉइंट से आगे गया टू फिर यहाँ से ये यह पीछे गया टोटल टेन यानी कि इफेक्टिवली इस पॉइंट से यानी कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक ये कितना गया ये गया ये डिस्टेंस विच इज़ ऑब्वियसली टेन माइनस टू पॉइंट फाइव यानी कि सेवन पॉइंट फाइव तो सेवन पॉइंट फाइव हमारा फाइनल नेट डिस्प्लेसमेंट था तो वो चूंकि डायरेक्टेड माइनस की तरफ था इसलिए माइनस साइन के साथ आया तो ये वही सवाल था जो भी हमने किया लेकिन उस पूरे सवाल में क्या फिजिक्स हो रही है मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया ये एक ही बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आई होप आपको समझ बात आ गई हो लेकिन अब हम आगे चूँकि न्यूमेरिकल्स जब भी करेंगे तो इतना हमको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं है सीधा जहाँ तक एक्सोलेशन फिक्स्ड है हम सीधा एक बार में टोटल टाइम निकालेंगे आपको सीधा फाइनली सही रिजल्ट आएगा एक बार में क्यों इस पूरे जंक्शन में हम एक ही इक्वेशन अप्लाई कर पाए पूरे मोशन इस में इसलिए अप्लाई कर पाए बिकॉज योर एक्सेलेशन वॉज कॉन्स्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम हर जगह आपके मोशन में एक्सेलेशन कॉन्स्टेंट था तो यही हमारा कंस्टेंट है जब तक एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट रहती है हम सिंपली एक ही स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करेंगे जो हमारे न्यूटन्स के तीन इक्वेशन है और इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट तक हम वही इक्वेशन से आंसर एक बार में एक ही स्टेप में आंसर निकाल सकते हैं अलग अलग स्टेप हमको करने की जरूरत नहीं ठीक है तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लिखते हैं कि अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल लॉस्ट यू इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है तो आपको बताना है आफ्टर वॉट टाइम नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो पहले आप सोचिए कि हो क्या रहा होगा इनिशियल लॉस ट्वेंटी फाइव है तो पॉजिटिव है कि कुछ आगे जा रहा होगा लेकिन एक्सेलेशन पीछे है ना क्योंकि नेगेटिव एक्सलेशन है यानी कि जब ये आगे जा रहा होगा तो इसकी स्पीड क्या होगी घट रही होगी चूँकि एक्सेलेशन पीछे की तरफ है तो कंटिन्यूसली इसकी स्पीड घटती जा रही है यानी कि फाइनली एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ तक इसकी विलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी तो जब ज़ीरो होगी उसके बाद भी क्या होगा ये एक्सेलेशन तो कंटिन्यूसली एक्ट कर रहा है तो वो एक्सेलेशन इसको पीछे ट्रैक करेगा और फाइनली एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये बराबर अपने इनिशियल पॉइंट पर वापस पहुंच जाएगा ये लाइन एक्चुअली इसी के ऊपर ड्रा करनी चाहिए बट मैं आपको चूंकि क्लियरली समझ में इसे थोड़ा नीचे ड्रा कर रहा हूँ ये टेक्निकली ये जो लाइन नीचे वाली है ये इस लाइन के ऊपर ही है ये अपने ही ट्रैक पर सेम ट्रैक पर वापस आ रहा है तो जब ये सेम ट्रैक पर वापस आएगा अपनी इनिशियल पोजीशन पर यानी कि जहाँ पर आपका आई उसी पॉइंट पर आपका एफ तो पॉइंट क्या बन जाएगा वो बन जाएगा आपका नेट डिसप्लेसमेंट जीरो तो नेट डिसप्लेसमेंट ज़ीरो कब होगा जो हमने सीखा हुआ है डिसप्लेसमेंट के डेफिनेशन में कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब सेम हो तो नेट डिसप्लेसमेंट जीरो तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में अब हमें सिंपली क्या करना है इतना सोचा नहीं एग्जाम में सीधा एक क्वेश्चन लगाना है तो आपको यू दिया हुआ ट्वेंटी फाइव ए दिया हुआ फ़ाइव और नेट डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ जीरो तो सिंपली हम क्या करेंगे हम एक क्वेश्चन लगाएंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर इसके जगह पर क्या लिखेंगे हम ज़ीरो यू की जगह पर ट्वेंटी फाइव इंटू टी प्लस हाफ ऑफ क्या लिखेंगे माइनस फाइव इंटू टी स्क्वायर ये क्वार्टी इक्वेशन नहीं है ये सिंपल लीनियर इक्वेशन है चूँकि आपका ये कॉन्स्टेंट टर्म जीरो है तो एक टी आपका कैंसिल हो जाना है यानी कि बन जाना है टू पॉइंट फाइव टी स्क्टी फाइव टी तो टी आपको आ जाएगा ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई टू पॉइंट फाइव कितना हो जाएगा वो सिंपली टेन सेकेंड्स तो टेन सेकेंड्स के बाद इसका नेट डिस्प्लेसमेंट वापस जीरो जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था वापस वहीं पहुँच गया चलिए इस क्वेश्चन में हम थोड़ा और कंटिन्यू करें मुझे आप बताइए कि कितने देर के बाद ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हुई होगी तो ज़ीरो कहाँ पर हुई होगी दिख रहा है इस पॉइंट पर तो कितने देर के बाद वेलोसिटी जीरो हुई होगी ये हमको अगर समझना है क्या करेंगे हम सिंपल इक्वेशन लिखेंगे तो इस बार आपको फाइनल वेलोसिटी का टर्म में दिया हुआ तो हम कुछ वी इक्वल टू यू प्लस ए टी का इक्वेशन लिखेंगे तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वी क्या लेंगे हम ज़ीरो यू ट्वेंटी फाइव एक्सलेशन माइनस फाइव इंटू से आपको टी सॉल्व कीजिए आपको फाइव आ जाएगा तो पाँच सेकंड तक ये आगे जाता रहा पाँच सेकंड के बाद फिर ये पीछे आता रहा तो आपको सिंपली एक चीज दिखाई दे रही है कि जितने देर के लिए आगे गया उतने ही देर के लिए ये पीछे आया ओके ताकि नेट डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया उतनी देर में सीरो मुझे एक चीज और आप बताइए इसी क्वेश्चन में कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्टेंस कितना हुआ होगा डिस्टेंस कह रहा हूँ जब मैं यानी कि टोटल पाथ लेंथ मतलब ये कितना आगे गया और फिर कितना ये पीछे आया तो एक चीज़ तो दिखाई दे रही होगी ना आपको कि जितना भी आगे गया है उतना ही पीछे आया है तो टिल टाइम इज इक्वल टू फाइव जिस पोजिशन तक ये पहुँचा ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ मान लीजिए उसको हम कहते हैं एस और फिर ये वापस से पीछे गया तो जब ये पीछे जा रहा होगा तो इस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस ऑफ एस आई होप आपको बात समझ में आई कि अगर ये एस डिस्टेंस आगे आया तो एस डिस्टेंस ही पीछे गया लेकिन चूंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है तो अगर हम आगे को प्लस ले रहे हैं तो पीछे को ऑब्वियसली माइनस मानेंगे इसीलिए आपका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया जीरो तो जितना डिस्टेंस आ गया मान लीजिए दस मीटर आगे गया तो पीछे भी दस मीटर आया तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया जीरो लेकिन अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो क्या निकालना है ये टोटल पाथ लेंथ निकालना है ना तो बेसिकली हम ये एस निकालेंगे पहले और फिर उसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट विल बी टोटल पाथ लेंथ तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं मैक्सिमम जिस पॉइंट तक ये पहुंचा है इस पॉइंट तक जो आपको कर सौ दिखाई दे रहा है तो इस पॉइंट तक हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो उसको तो निकालने के दो तरीके हैं या तो आप ये क्वेश्चन इस्तेमाल कीजिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस इसमें फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है इस मोमेंट पर जीरो हो रही है इनिशियल वेलोसिटी क्या है ट्वेंटी फाइव है तो ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्सलेशन क्या है माइनस फाइव इन एस तो यहाँ से आपको एस क्या आ गया ट्वेंटी फाइव स्क्वायर इज दैट इज सिक्स ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई टेन यानी कि सिक्सटी टू पॉइंट फाइव मीटर ये एक तरीका डिसप्लेसमेंट निकालने का दूसरा तरीका क्या हो सकता था आपको सोचिए दूसरा तरीका ये हो सकता था कि हम सिंपली इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करते बस यहाँ पर टाइम की जगह पर फाइव पुट कर देते हैं और यू की जगह पर ट्वेंटी फाइव और ए तो वापस माइनस फाइव ही है तो उस केस में आपको डिस्प्लेसमेंट आता वो यहीं तक का डिस्प्लेसमेंट आता तो हम कोई भी क्वेश्चन यूज कर सकते हैं जिसमें भी आपको कन्वीनियंस फील तो हमारा सवाल है डिस्टेंस कितना हुआ तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा ये जो डिस्प्लेसमेंट हमें आई है इसका डबल यानी कि टोटल डिस्टेंस विल बी टू टाइम्स ऑफ सिक्सटी टू पॉइंट फाइव कितना हो जाएगा वो हो जाएगा आपको वन मीटर ओके तो हमने एक मोशन को अच्छी तरह से एग्जामिन कर लिया कि कहाँ पर क्या हो रहा है एक्सेलेशन जब भी नेगेटिव होगा हमेशा वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी विलोसिटी का मैग्नीट्यू टेक्निकली डिक्रीज़ करेगा एक पॉइंट पर विलोसिटी जीरो हो जाएगी और उसके बाद भी अगर एक्सेशन कंटिन्यू रहा तो फिर वहाँ से वेलोसिटी पीछे की तरफ हो जाती है और डिस्प्लेसमेंट फिर नेगेटिव होना शुरू हो जाता है okay? ओके